यस वेलकम बैक एंड टुडे वी हैव जस्ट अभी हमने शूटिंग करके खत्म किया है. वी हैव जस्ट कंप्लीटेड और मेरे हाथ थोड़ा सा हिलता हुआ आपको दिख रहा है. जी हाँ, ये विड्रॉल सिम्टम नहीं है, मैंने अचानक से पीना नहीं बंद किया. वी हैव जस्ट कंप्लीटेड शूटिंग सिंपल बिगिनर लेवल पहलवानी वर्कआउट. सिंपल है, उसमें ऐसा कोई भी एक्सरसाइज हमने नहीं डाला इस सर्किट में, इस वर्कआउट में, जो आपको अलग से 4-5 महीने बैठ के सीखना पड़े. वेरी सिंपल, एवरीवन कैन डू, कंसिस्टिंग ऑफ सिंपल डंड सिंपल बैठक. बट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द वर्कआउट, आई एम सॉरी, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द वार्म अप. कैसे आपने शरीर को उस ढाल में लाना है कि आप डंड और बैठक वगैरह लगा सकें, और किस तरीके से, कितने रेपिटेशन के साथ, कैसे सेट में डंड बैठक मैं प्रेफर करता हूँ, वो सिंपल वर्कआउट दिखाया है. और एंड में स्ट्रेचिंग भी दिखाई है, ताकि आप अगले दिन भी सुबह उठ के चल के बाथरूम जा सकें. आ जाओ पहली एक्सरसाइज, मेंढक वॉक. नाउ लाइक अ मेंढक, सबसे पहले ऑफ कोर्स आप स्टार्ट करेंगे, एंड देन दिस इज द बेसिक फ्रॉग वॉकिंग. आप आगे पीछे, इसमें टाइम बचाना चाहते हो तो झाड़ू पोछा भी इसी के साथ कर लो. एंड ऑफ कोर्स कैमरा का एंगल चेंज करके 4 कदम इधर करके दिखाना है, और उसके बाद बस उठ जाना है, क्योंकि वीडियो ही तो बनाना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यमला पगला दीवाना, एकदम धर्मपाजी वाला स्टेप आपको अपर बॉडी से करना है. और नीचे से हम कर रहे हैं स्पॉट जॉगिंग, जो कि एक वार्म अप एक्सरसाइज के जैसे यूज हो सकता है और कुछ नहीं है. नाउ लिजार्ड वॉक हम करेंगे, क्योंकि मैं कर रहा हूँ तो इट इज मोर लाइक अ उबली हुई लिजार्ड है ये, वो जो किचन के पतीले में गिर जाती है. कॉन्जुरिंग वाली वॉक है नेक्स्ट एक्सरसाइज. इसको आपको रात को लाइट ऑफ करके करना है, ताकि घर वालों को थोड़ा बहुत छोटा मोटा अटैक तो आए. नेक्स्ट आ जाओ प्लेन बैठक, कोई मसाला बैठक नहीं है, एकदम नॉर्मल वाली साधारण बैठक इसको कहते हैं. ये आपने स्टैंड लिया एंड 20 रेपिटेशन 3 सेट्स, ये मेरे द्वारा सेट किया गया नंबर है, इसको आप बदल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पत्थर पे खींची लकीर नहीं है. बेसिकली आपने मेरे को देखा होगा, थोड़े से हाथ वगैरह का स्विंग में यूज़ कर रहा हूँ, वो बैलेंस की वजह से होता है. क्योंकि जब आप नीचे जाते हैं और ऊपर आते हैं, खासकर साधारण बैठक में, आपका बैलेंस पॉइंट बहुत कम होता है. अभी तो खैर आपने कर लिया, थोड़ा सा रेस्ट कर लो. नेक्स्ट रेस्ट करने के बाद दिस इज सेट नंबर 2. व्हाट आई वाज सेइंग इज, आप जब फास्ट में करते हैं, क्योंकि आपका हील ऊपर आ रहा है नीचे जाते वक्त, देन बैलेंस का कभी कभी प्रॉब्लम होता है, तो वो काउंटर बैलेंस वाला काम करने के लिए हाथ की स्विंगिंग को आप यूज़ कर सकते हैं. ऊपर आते हुए सांस बाहर छोड़िए, और नीचे आते हुए जो भी करना करिए, है कि नहीं. सो दिस इज़ अ बेसिक बैठक, और ऐसे आप कर सकते हैं, जैसे आप काउंट करते हैं ना, तो ऊपर आते हुए काउंट करते हैं, उसी के साथ एक्सेलेशन हो गया. फिर थोड़ा सा आप चाय पे चर्चा के लिए ब्रेक पे चले जाइए. देखिए ये मजाक कर रहा हूँ मैं, इतनी ज़्यादा बीच में रेस्ट में खाना पीना नहीं खाना चाहिए, ठीक है. मैं सीरियसली अगर बात करूँ तो पूरे वर्कआउट के साथ और उसके 10-15 मिनट बाद तक कुछ पानी वगैरह नहीं पीता हूँ. अगर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं पीता हूँ. सो वैसे ही मैंने अपने आप को थोड़ा सा आदत डाली हुई है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी सांस फूल जाए तो लोगों को पानी पीना होता है, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छी चीज़ है, तो अभी नहीं करते. ये नहीं बोल रहा हूँ कि पानी ना पियो, ये बोल रहा हूँ कि एकदम उसको बार बार इतना सारा ना करो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी में फिर बाद में जैसा आपने देख लिया होगा. अगली एक्सरसाइज पे हम आ चुके हैं, दिस इज योर साधारण डंड. इसको हम करेंगे 10-15 reps एंड वील बी डूइंग 2-3 sets, क्योंकि ये बहुत बिगिनर लेवल का वर्कआउट है. देखिए आपने अभी तक देख लिया होगा, सिंपल वाला हमने बैठक किया 3 set, और वैसे ही सिंपल वाले हमने 10 count के साधारण डंड लगाए हैं. अभी मैं इसका 3 set करके दिखाऊंगा, इतना भी काफ़ी होता है. आपको अगर ज़्यादा करना है 20 reps कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 100-100 के 3 मार लो, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज़, अगर आप भी मेरे जैसे साल में एक बार दिवाली की छुट्टियों में एक्सरसाइज करते हैं, तो इतना भी काफ़ी होगा आपके लिए. अभी देखिए मैं थोड़ा सा रेस्ट के टाइम पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको स्ट्रेचिंग करनी है, एकदम 10 push-up मार के उठ के शीशे में देखना है कि पेट कम हुआ कि नहीं हुआ. नहीं हुआ तो ओके, बैक टू डिप्रेशन, कम ऑन. अब जो भी कर रहे हैं, हाँ हम 10 count कर रहे हैं या 10-15 counts कर रहे हैं, 20 reps लगा रहे हैं, उसमें रेप्स का क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं मैटर करता है. क्वांटिटी भी मैटर करता है, एक डिफरेंट स्टाइल की ट्रेनिंग होती है, वो एंड्योरेंस वाली ट्रेनिंग होती है. अभी हम एक तरह से पूरे की पूरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप का संपूर्ण लाभ उठाने की बात कर रहे हैं. सो इन दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको बीच में रेस्ट लेना है ले लीजिए, चाहे आप 100 पुशअप ना मारें, एक एक का
फॉर्म आप अपने ईमानदारी से जितना आपसे हो सके उतना सही आप करिए। एंड मोर ओवर, आपने अगर मेरे पैरों को देखा होगा, वो बहुत प्रॉपर स्ट्रिक्ट पर्वतासन में नहीं है, क्योंकि मैं वैसी योगा वाली स्ट्रेचिंग नहीं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं पुशअप का बेनिफिट वो मसल ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ। आगे नौकासन में आ जाते हैं, ये बेसिक, आप इसकी जगह कोई और कोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। दिस इज एन आइसोमेट्रिक कोर एक्सरसाइज इन माय ओपिनियन। यहाँ पे आप थोड़ा सा जो भी किया इससे पहले, मैंने बाकी एक्सरसाइजेस भी करी थी। एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन दिस वीडियो, इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करना है। हमारा वर्कआउट जो था वो खत्म हो चुका है, वी हैव फिनिश्ड अप विद सम कोर एक्सरसाइजेस, दैट्स इट, इतना ही था। अब हम करेंगे स्ट्रेचिंग, ये हमारी सेफ्टी के लिए। अभी तक हमने एक तरीके से पुशिंग और लेग्स का वर्कआउट किया था, सो हमारे आर्म्स, हमारा चेस्ट वगैरह इन्वॉल्व था। तो अभी आप खंबा खींचिए लेफ्ट साइड से और खंबा उखाड़िए राइट साइड से। बेसिकली अपने उन मसल्स को आप स्ट्रेच करके रिलैक्स करना चाहेंगे जो अभी वर्कआउट में इन्वॉल्व थे। नाउ मोर ओवर, ये मेरा मेथड है, ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स। एंड अगेन, ये जो लास्ट की स्ट्रेचिंग हो रही है इसको कूल डाउन भी कहते हैं। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड लाइक दैट, बिकॉज ये थोड़ा सा मेंटली आपको जानना जरूरी है कि ये अभी एक्सरसाइज नहीं हो रही, एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई। आपको यहाँ पे बहुत धीरे धीरे अपने शरीर को एक तरीके से जो जकड़न आई होगी या फिर कोई स्टिफनेस आया होगा उसको निकालने के लिए और स्ट्रेच आउट करने के लिए, ये एक कूल डाउन वाला प्रोसेस है। इसमें आपको एक्स्ट्रा पसीना या एक्स्ट्रा सांस नहीं भूलना चाहिए, ये सब आप करेंगे बहुत आराम से, धीरे धीरे, हौले हौले। और ये देखिए, इस टाइप की स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। ये प्योरली शो ऑफ के लिए था, मुझे खुद नहीं पता था मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी थी 1947 में। एंड देन अगेन थोड़ी सी और मैं स्ट्रेचिंग करके दिखा रहा हूँ। बेसिकली आप अपने पैरों को इधर उधर आगे पीछे थोड़ा बहुत स्ट्रेच करिए, क्योंकि वो अभी तक टाइट हो चुके होंगे। हैमस्ट्रिंग्स को मैं यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ, हालांकि हैमस्ट्रिंग का बहुत सारा एक्सरसाइज हमने नहीं किया था। आई एम जस्ट शोइंग डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू कैन डू डिफरेंट थिंग्स एंड दैट्स इट। इतना एक्सरसाइज बहुत है, एक साल के लिए हो चुका है। हाँ, ये भी कर लो, ये थोड़ा सा पैर वगैरह पीछे उठा के आप एंकल होल्ड कर सकते हैं। बेसिकली दिस वॉज इनफ, बस इतना ही है, ठीक है, बस घर जाओ। थैंक यू, नहीं नहीं बाकी भी सुनो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आवर ऐप है सेंडो जित्सु मोबाइल एप्लीकेशन, यू कैन डाउनलोड टू गेट एक्सेस टू स्पेशल कोर्सेस, वीडियो मॉड्यूल्स, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ है। वीडियोस को प्लेलिस्ट में बना के कोर्स वन, कोर्स टू, कोर्स थ्री अभी लेटेस्ट अवेलेबल है, उसका एडवर्टाइजमेंट मैं यहाँ पे चला दूंगा। और मोर ओवर, इफ यू यू नो एफिलिएशंस आर ओपन, इफ यू आर अ कराते क्लब और अ कराते स्कूल और अ ग्रुप एंड यू आर इंटरेस्टेड, you can leave a message to the WhatsApp number that is provided. You can also check out everything about Sangukai. This is a world level organization under Sokei Takeshi Kitagawa. I'll leave all the links in description, you can check them out, and we are looking forward to making you part of our family. So the affiliations are open. Uske alawa all the basic stuff, aapko merchandise ka design wagera pasand aa raha hai to Kadak merch ka link description mein hai. Kaleri dhoti jo maine pehni hai aapko agar pasand aa rahi hai, the link will be in description. You can get all this. Leave a WhatsApp message for color dhoti. Wo bhi niche hai, sab kuch hai. Ek kaam karo, ab kuch nahi bacha, thoda sa Google Pay mein mereko paisa de do.